नमस्कार साथियों, मैं दिशान चौहान सांदीपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट पड़वा की ओर से। जैसा कि आपको सभी को सर्वविदित है कि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में त्राही त्राही मच रही है और भारत में भी इसके कई पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए खरगोन जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक समूचे जिले में लॉकडाउन घोषित कर दिया और इस लॉकडाउन के तहत कोई भी शैक्षणिक कार्य, किसी प्रकार का कोई कार्य ये संस्था संचालित नहीं होगी। सिर्फ प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार एक समय सीमा तय की जाएगी। उस समय सीमा के अंतर्गत ही आपको मार्केट से कुछ भी किराना, दूध वगैरह, अन्य घरेलू दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ों को लाने की परमिशन दी जाएगी। अगले माह संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षाएं संचालित की जाना है पूर्व आदेशानुसार मध्य प्रदेश शासन के अनुसार, परंतु कोरोना वायरस के कारण बहुत सी शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान संचालित नहीं हो पा रही है, तो उससे छात्रों के भविष्य में जो बदलाव आएगा, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का बोला था। उसी कड़ी में आज मैं आपको पर्यावरण विषय के एक चैप्टर आवास के बारे में बताऊंगा। आवास नामक चैप्टर में 4 मुख्य टॉपिक है। पहले मैं उन टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं शुरू के 2 टॉपिक कवर कर पाऊँगा और शेष बचे हुए 2 टॉपिक मैं 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में फिर अपलोड करके आपको लिंक प्रदान कर दी जाएगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर आवास के बारे में देखते हैं कि आवास चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहले पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकताओं और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल, ये हमारा रहेगा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, ये हमारा रहेगा तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक जो रहेगा शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें। इन 4 टॉपिक में से हम शुरू के 2 टॉपिक कवर करेंगे। अभ्यर्थियों से विशेष निवेदन है कि वह शुरू के 2 टॉपिक समझाने के बाद तुरंत इन 2 टॉपिकों को अपने नोट्स में देख ले और जिस किसी बंधु को इस चैप्टर की PDF चाहिए वो मुझे बताए गए नंबर पर WhatsApp करके मैसेज कर दे। मैं उन्हें इस चैप्टर से संबंधित और आगामी किसी भी विषय के चैप्टर से संबंधित PDF मुहैया करा दूंगा, वो भी निशुल्क। उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। कृपया आप मेरा WhatsApp नंबर नोट कीजिए 8871425040। फिर से नंबर दोहरा रहा हूँ मैं हिंदी में 8871425040। तो अब मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम शुरू के 2 टॉपिक कवर करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है आवास। तो हम सबसे पहले हम बात करें कि आवास होता क्या है। आवास जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं शेल्टर। सभी प्राणी ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें अपने एवं अपने बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा सुरक्षा मिले। आवास का मतलब ये नहीं होता है कि अब आवास मतलब रहना ही। आवास में सुरक्षा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर रहने के लिए जगह हो लेकिन वो सुरक्षा से भरी हुई ना हो तो वहाँ रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। यह आवास की मुख्य परिभाषा है। जीव जंतु अपनी सुविधा, सुरक्षा एवं विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपने लिए उपयुक्त आश्रय का चयन करते हैं।
अगर कोई भी जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, अगर वो किसी आवास का चयन कर रहे हैं रहने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनके लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने आवास के लिए किसी स्थान का चयन कर रहे हैं तो हमें वहाँ 2 या 3 दिन ही रहना है। अगर हमें लंबे समय तक वातावरण के साथ तालमेल बनाकर चलना है तो हमें ऐसे आवास का चयन करना पड़ेगा जो सुरक्षा, स्वच्छता और सादगी से परिपूर्ण हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आगामी निकट भविष्य में उत्पन्न न हो। तो हमें ऐसे ही आवास की खोज करनी चाहिए। किसी भी प्राणी के रहने के विशेष स्थान को उसका आवास कहते हैं। आश्रय एवं आवास समानार्थी है। आश्रय मतलब पना। तो सबसे पहले किसी के भी रहने, हम आवास को सरल शब्दों में समझे तो किसी के भी रहने के स्थान को, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहाँ निवास करता है, जहाँ रहता है, जो उसका घर होता है, उसी को हम बोलते हैं आवास। हम देखते हैं आवास में विविधता कैसे आती है। कहने की बात यह है, इंसान, पशु, पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी को कहीं ना कहीं आवास की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चारों एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवास में विविधता क्या हो सकती है। सबसे पहली विविधता हम बात करते हैं, पोखर या तालाब, जंगल और समुद्र तल आदि आवास स्थल हैं। समुद्र भी अपने आप में आवास स्थल है, जो कई प्रकार की मछलियों, कई प्रकार के जीवों के लिए रहता है। तालाब है, जंगल है, जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते हैं, तो जानवरों के लिए आवास स्थल जो होगा वो होगा हमारा जंगल। पौधे एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में ही अच्छी तरह पलते और बढ़ते हैं। जिस प्रकार इंसान को सुरक्षा, स्वच्छता, सादगी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पौधों को भी एक विशेष प्रकार के आवास की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वो अपनी वृद्धि को दर्शा सकते हैं। तालाब में मेंढक, कछुआ, मछली, ड्रैगन फ्लाई आदि अन्य कई प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं। तालाब में कई प्रकार के जानवर होते हैं जिनको अपने जीवन चलाने के लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं विविध स्थानों के मौसम, जलवायु, मकान बनाने के लिए उपलब्ध वस्तुएं आदि को ध्यान में रखकर मानव अपने लिए घर बनाता है। मतलब घर बनाने कि हम किसी भी प्रकार के माहौल में रहकर निवास कर ले। सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है सुरक्षा। विविध स्थानों के मौसम, जलवायु, मकान बनाने पर वस्तुएं आदि को ध्यान में रखकर मानव अपने लिए घर बनाता है। मानव घर बनाने के लिए सारे पैरामीटर्स को अच्छी तरह टटोलता है, उसके बाद ही वहाँ पर घर का निर्माण करता है। ठंडे स्थानों में जहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ के घरों के छतें शंक्वाकार, जिसको हम बोलते हैं कोनिकल फॉर्म, शंक्वाकार होती है ताकि बर्फ मकान की छत पर नहीं जमे। लद्दाख जैसे ठंडे स्थानों में घर की छतें समतल बनाई जाती है। लद्दाख, लेह लद्दाख जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ताकि गर्मी के मौसम में धूप का प्रयोग विविध वस्तुओं को सुखाने के लिए किया जा सके, जिनका प्रयोग सर्दी के मौसम में किया रहता है। यहाँ प्रायः घरों में एक से अधिक मंजिल होती है। लोग ठंड से बचने के लिए सर्दी के मौसम में नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं। रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लद्दाख से आगे समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर एक मैदानी इलाका है जिसे चांगथांग कहते हैं। लद्दाख से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक मैदानी इलाका होता है जिसे प्रकार के लोग रहते हैं। चांगथांग का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। भारत में से कई स्थान हैं जहाँ पर लोग बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ हर प्रकार के अनुकूलन वाला व्यक्ति नहीं रह सकता है। चांगथांग में पक्के मकान नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ की आबादी लगभग 5,000 होगी और यह लोग याक के बालों से बुने, याक जो सांड होता है उसके बालों से बुने कपड़ों से बने टेंटों में रहते हैं। मतलब ये लोग पक्के मकान का निर्माण नहीं कर सकते, ये
टेंट में ही रहते हैं। इन टेंटों को रेबी कहा जाता है। ध्यान दें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेंटों को याक जो कपड़े याक के कपड़ों से जो बनते हैं टेंटों क्या कहते हैं, रेबी कहते हैं। चांगथांग के लोगों को चांगपा कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि चांगथांग के निवासियों को क्या कहा जाता है, वहाँ के लोगों को कहता है चांगपा। यह लोग खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। देखिए, ऊन की बहुत सारी वैरायटी होती है। खैर, हमने बात की है पश्मीना ऊन की, तो पश्मीना जो है वो बकरी की एक वैरायटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उत्तम किस्म की ऊन कहाँ पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे उत्तम किस्म की ऊन पाई जाती है जिसका नाम होता है मेरिनो। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, MARINO, मेरिनो जो होती सबसे उत्तम किस्म की ऊन। इन बकरियों के बाल भी उतने ज़्यादा नरम होंगे, इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतने ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। मुश्किल हालातों में भी आसानी से रहते हैं। फिर हम बात करते हैं बस्तियाँ, इसको बोलते हैं कॉलोनीस। बस्तियाँ वह स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करता था। खैर, बस्तियाँ आज के आधुनिक युग के हिसाब से व्यक्ति के लिए उपयोगी है, लेकिन जब बस्तियाँ नहीं हुआ करती थी तब व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका आवास स्थान क्या होता था। अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो वे पहले गुफाओं, वृक्षों से बनी चीज़ों में रहते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक स्थान स्थायी घर बन गया। बस्तियों का विकास नदियों घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। प्राचीन समय के लोग भी निवास स्थान कैसा ही बनाते थे, लेकिन जल की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि जल के बिना हम जीवन की संभावना कल्पना नहीं कर सकते। व्यापार वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के लिए मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। धीरे धीरे उनकी आवश्यकता बढ़ती गई, धीरे धीरे वो नया रूप लेते गए। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, बस्तियों का रूप विस्तृत होता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोगों में विकास हुआ, लोगों में वृद्धि हुई, लोगों के मानसिक स्तर में वृद्धि हुई, और इसी प्रकार उन्होंने क्या करा, एक नई सभ्यता का उद्भव किया। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। बस्तियाँ आवास का स्थायी रूप नहीं होती है। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं, टेम्प्रेरी कॉलोनीज कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में कभी भी तापमान में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए वो कभी भी स्थायी रूप से अपने आवास को नहीं रखते। ये आखेट संग्रहण एक प्रकार का संग्रहण होता है, स्थानांतरित कृषि होती है, प्रवास करते हैं। अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, मतलब घर जब बन जाएगा तब उसे हम परमानेंट मतलब स्थायी आवास कहेंगे। गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहाँ लोग कृषि एग्रीकल्चर मत्स्य पिसीकल्चर मछली संबंधित जो पालन है, वानिकी दस्तकारी पशुपालन आदि संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन से प्रकीर्ण हो सकती है, फैल रही है धीरे धीरे। सघन बस्तियों में घर, सघन का मतलब होता है डेंस। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में घर दूर दूर बने होते हैं। अगर हम सघन और प्रकीर्ण बस्तियों की बात करें तो सघन का मतलब होता है डेंस, पास पास नज़दीक, वहाँ पर घर कैसे बने होते हैं, पास पास बने होते हैं। लेकिन हम प्रकीर्ण की बात करें तो प्रकीर्ण बस्तियों में घर जो होते हैं वो दूर दूर बने होते हैं। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन डेवलप हो गया है, क्रिएट हो गया है, सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। इस प्रकार बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो स्थानों को देखकर बस्तियों का निर्माण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, मतलब कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा एनवायरनमेंट है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनती है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर छत का जो स्वरूप होता है वो ढाल वाला होता है, स्लोप वाला होता है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊँचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, जब पानी को रिसाव के लिए निकासी के लिए ढलान पैदा की जाती बनाई जाती है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है, दीवारें मोटी रखी जाती तापमान को कंट्रोल करने के लिए। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है, जहाँ पर मोटी दीवारें रहती है।
नगरी बस्तियों एवं छोटे शहर में उनसे बड़ी बस्ती होती है। नगरी क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, वो डेवलप फॉर्म में होता है। तो ये हमारा था पहला टॉपिक, पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास, किस प्रकार के आवास होते हैं, कहाँ रहते हैं वो, आवास की आवश्यकता क्या है, आवास की आवश्यकता के लिए व्यक्ति को क्या ज़रूरत है, और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यकता क्या होती है। अब हम बात करेंगे स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल। अब हम बात करते हैं धरोहरों की रक्षा हमारा कर्तव्य, जो राष्ट्रीय धरोहर है भारत में, बात चाहे शहर की ऐतिहासिक धरोहर की हो या प्रदेश की हो या देश की हो, इनके संरक्षण में किसी एक की भूमिका नहीं होती। अगर हम बात करें किसी किले की, किसी महल की, तो ये अपने आप पे राष्ट्रीय धरोहर है जो देश की प्रसिद्धि में अपना योगदान रखती है। इससे तात्पर्य ये नहीं है कि हम सिर्फ घूमने के लिए ही ऐतिहासिक धरोहर पर जा रहे हैं। उन धरोहरों की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश की ख्याति को बढ़ा रही है, उनकी संरक्षण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। हम उसी कड़ी में बात करेंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। हम हर इमारत को अपने मूल रूप से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है, चाहे वो हमारा घर हो। हम अगर इमारत से हटकर बात करें तो हमारे घर की बात करते हैं। हमारे घर को स्वच्छ रखना है, अच्छा रखना है, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा ही है कि हम उसे सुरक्षित रखें, साफ रखें, क्योंकि वहाँ पर हम निवास करते हैं। कोई सफाई करने के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। इसी प्रकार इमारतें जो हमारे देश की धरोहर है, हम देश के नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखें। पर विडम्बना यह है कि हम उसे नुकसान पहुँचाते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि स्मारक का प्राकृतिक रूप से क्षरण होना तो प्राकृतिक का नियम है। जैसे बहुत पुराना किला होता है, महल होता है, वो काफ़ी 300-400 साल पुराना है, सीधी सी बात है कि वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी का क्षरण होगा, टूट फूट होगी, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं ये ना समझी कहेंगे, लेकिन मानव द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ लोग इन इमारतों पर नाम आदि कुरेद कर ख़राब करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, महलों में जाते होंगे, नाम लिखे रहते हैं, है ना, तो पत्थर से लिख देंगे, किसी से भी नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार के चीज़ें जो होती है वो ऐतिहासिक धरोहरों, राष्ट्रीय धरोहरों और अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों को नुकसान पहुँचा। तो कुछ प्रतिमा आदि ध्वस्त कर इनका सौंदर्य बिगाड़ते हैं। कोई मूर्ति वगैरह होती है, पत्थर मारते हैं, किसी राजा महाराजा की होती है, टूट फूट होती है, कई सारी हरकतें व्यक्ति विशेष कर देते हैं जिन्हें ना समझे होते हैं। परंतु वे ये भूल जाते हैं कि जिसके निर्माण में वर्षों लगे और जो आज हमारी शान बनी हुई है, उसके साथ एक खिलवाड़ क्यों। व्यक्ति ये भूल जाता है कि इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय धरोहर को जब हम देखने आए हैं, तो इसके निर्माण कार्य में कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा होगा। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमारे लिए जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार के राष्ट्रीय धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का निर्माण किया है, हम उन धरोहरों की सुरक्षा करें, ना कि उनको नुकसान पहुँचाएं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक इमारतें राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में। भारत की संस्कृति विरासत में भारत के भवनों, मंदिरों, किलों और महलों आदि में समृद्ध। भारत में कई प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी आपको, किले भी मिल जाएंगे आपको, महल भी मिल जाएंगे आपको, भवन भी मिल जाएंगे। प्रसिद्ध भारतीय स्मारक गोवा के चर्च, अगर हम चर्च की बात करें तो गोवा चर्च के मामले में फेमस है। ताजमहल, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, लाल किला जो कि दिल्ली में है, जंतर मंतर, भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इन ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा भारत के अन्य विश्व धरोहर स्थल भी है, जंगली पार्क है, दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर भी आते हैं, मीनाक्षी टेम्पल है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, और बहुत सारे अनेकों साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय मंदिर है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक धरोहरों में ताजमहल की। ताजमहल को भारत के विश्व के अजूबों में गिना जाता है, और हमारे लिए वाक्य की बात है कि ताजमहल अजूबों की गिनती में आता है। ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ताजमहल सुंदर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, और जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पवित्र यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल मुगल, फारसी और भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है, और ताजमहल का निर्माण करने वाले
व्यक्ति शाहजहाँ थे और उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ताजमहल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार का नाम बताइए, तो ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कला निर्माण कलाकार का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। आप इस बात को, इस नाम को बिल्कुल याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आता ही है। उस्ताद अहमद लाहौरी ये वो व्यक्ति है जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। ये दुनिया के 8 अजूबों में से एक है और भारत में सबसे ज़्यादा देखने वाला स्मारक। उसके बाद ताजमहल की बात हो गई है। ताजमहल के बाद हम बात करेंगे विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल अंग्रेज़ों के समय से फेमस है और विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है तथा महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है और पांडुलिपियों एक लिपि की प्रकार होता है। लिपि मतलब भाषा को लिखने का ढंग जो होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार पंजाबी की गुरुमुखी है, इसी प्रकार संसार में व्याप्त 3000 भाषाओं में से हर भाषा की अपने आप में एक लिपि होती है। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि संसार में लगभग 3000 भाषाएँ बोली जाती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। और अगर मैं बात करूँ कि सभी भाषाओं की जननी भाषा जो है वो संस्कृत है और सभी जननी भाषाओं की जो लिपि है वो हमारी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही भाषाओं का विकास हुआ। और चित्रों और ब्रिटिश काल की मूर्तियों के महान संग्रहण के साथ एक संग्रहालय के रूप में काम करता है, एक म्यूज़ियम के रूप में काम करता है विक्टोरिया महल, विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है। अगली कड़ी में हम बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सीधी सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था और चौगान, हम प्राचीन समय में चौगान बोलते थे लेकिन वर्तमान स्वरूप में उस खेल को हम बोलते हैं पोलो। पोलो खेलते समय कुतुब मीनार की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी और ये निर्माण कार्य रुक गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। आपका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, इस बात को विशेष का ध्यान रखें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया था, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली की कुतुब मीनार भारत में दूसरे सबसे हाईएस्ट मीनार है और दुनिया में सबसे बड़े और प्रसिद्ध टावरों में से एक है। कुतुब मीनार के परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा है। दिल्ली और अलाई मीनार के लोह स्तंभ के रूप में कई और ऐतिहासिक स्मारक भी है। कुतुब मीनार के अलावा और भी दिल्ली में ऐसे बहुत ऐतिहासिक राष्ट्रीय धरोहर हैं जिन्होंने भारत की पहचान दे रही है। अगली कड़ी में बात करते हैं सांची के स्तूप। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि रायसेन जिले में आते हैं। सांची के स्तूप बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध संप्रदाय के जो जनक है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है जिन्हें एशिया का पुंज बीम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। सांची में स्थित बौद्ध विहार महान स्तूप के रूप में जाना जाता है और भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक रायसेन जिले में है, जिसे मैंने बात की अभी। रायसेन जिले में सांची स्थित है, सांची टाउन है। सांची स्तूप भारत में सबसे अच्छा संरक्षित प्राचीन स्तूप है। फिर हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी। अगर फतेहपुर सीकरी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा आगरा। और फतेहपुर सीकरी का संबंध किस मुगल शासक से है, तो आपका आंसर होगा अकबर। अकबर के बारे में बात करना चाहूँगा। अकबर जो है वो मुगल बादशाह था और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र निरक्षर इलिटरेट मतलब अनपढ़ मुगल शासक का नाम बताइए, तो वो नाम जो है वो है अकबर का। अकबर जो था वो निरक्षर अनपढ़ शासक था। फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही आकर्षक और भूतहा शहर है, भूतिया शहर बोल सकते हैं इनको, हॉन्टेड प्लेसेस में आते हैं तथा भारत में भारतीय मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा संरक्षित संग्रह में से एक है। एक शानदार किला भी है, प्राकृतिक झील के तट पर स्थित है और बुलंद दरवाजा के लिए जाना जाता है ना, फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा है। फिर हम बात करेंगे चार मीनार। थोड़ा सा मित्रों ध्यान ही रखें कि कुतुब मीनार और चार मीनार दोनों में अंतर है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है
और चार मीनार जो हुए हैदराबाद में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है। चार मीनार एक प्रसिद्ध स्मारक और मस्जिद है जो भारत के सबसे मान्यता प्राप्त संरचनाओं के बीच में सूचीबद्ध है। चार मीनार का अपना एक महत्व है। हैदराबाद में स्थित यह स्मारक भारतीय आधिकारिक सूची में पुरातात्विक और वास्तु खजाने के रूप में सम्मिलित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। फिर हम बात करेंगे अगली कड़ी में इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में है। थोड़ा ध्यान रखिए आप, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों में अंतर है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान हुए सैनिकों को प्रणाम करता है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक बलिदान हुए थे उनको प्रणाम करता है। अब मैं बात करना चाहूँगा प्रथम विश्व युद्ध की। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है, तो आप ध्यान रखिए सन 1914 1914 से लेकर 1918 1918 ये वो समय है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय जो है वो है 1939 1939 से लेकर 1945 1939 से लेकर 1945 में जो समय है वो है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ये बात हमने करी प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की। उसके बाद यह राजपथ के पूर्वी हिस्से में है और शहर में सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक होता है। हुमायूं का मकबरा, अब बात करो हुमायूं, हुमायूं कौन थे? हुमायूं भी मुगल शासक थे। अगर मैं मुगल शासकों का एक सामान्य सा परिचय दूं, तो मुगल हमारे पास 1500 ईस्वी में आए थे। उमर शेख मिर्ज़ा से इनकी शुरुआत हुई थी। उमर शेख मिर्ज़ा के बेटे थे बाबर, बाबर के बेटे थे अकबर, बाबर के बेटे सॉरी उमर शेख मिर्ज़ा के बेटे थे बाबर, बाबर के बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के बेटे थे अकबर, अकबर के थे जहांगीर, जहांगीर के थे शाहजहां, शाहजहां के थे औरंगजेब। तो इसी प्रकार उमर शेख मिर्ज़ा से चलकर औरंगजेब तक ख़त्म होने वाला यह मुगल शासक का क्रम था। हुमायूं बाबर के बेटे थे और अकबर के पिता थे। हुमायूं को डरपोक बादशाह भी कहा जाता है। और हुमायूं के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे मुगल शासक का नाम बताइए जिनका राज्याभिषेक दो बार हुआ था, वो हुमायूं ही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहली उद्यान कब्र संरचना है, कब्र की संरचना है। और हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया है, यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करती है और यूनेस्को की सूची में हुमायूं के मकबरे का भी नाम। फिर हम उसी कड़ी में बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया था, इंडिया गेट दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया के स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में संदर्भित किया गया है। मुंबई का ताजमहल कहा जाता है और यह दक्षिण मुंबई के अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है और अरब सागर का मनमोहक नज़ारा दिखाता है। खजुराहो के स्मारक, खजुराहो की बात करें, छतरपुर जिले की बात करते हैं। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में हिंदू एवं जैन मंदिरों का समूह है। यह मंदिर उनकी नागर शैली के स्थापत्य प्रतीकों और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यूनेस्को ने इसे भी अपनी धरोहर सूची में शामिल किया है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर किला। जैसलमेर हम राजस्थान की बात करते हैं और बता दूं कि तापमान के मामले में भारत में जैसलमेर का अपना एक अलग स्थान है। सर्वाधिक तापमान वाले शहरों की गिनती में जैसलमेर का स्थान है। जैसलमेर का किला दुनिया का सबसे बड़ा किलेबंदी है, जो राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। इसे सोने का किला भी कहा जाता है और शहर के बीचों बीच स्थित है। सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है। राजस्थान में वैसे बहुत सारे किले हैं, हॉन्टेड प्लेस है, डरावनी जगह है। आमेर का किला है, भानगढ़ का किला है, जो काफ़ी डरावने स्थानों में से एक है। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। खैर मित्रों, बताना चाहूँगा अजंता एलोरा की गुफाएं पृथक पृथक हैं, लेकिन हम उनका नाम संयुक्त रूप से लेते हैं। अजंता की गुफाएं अलग है, एलोरा की गुफाएं अलग है। एलोरा की गुफाएं हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर शिवालय। महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर शिवालय, वहाँ से नज़दीक। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। औरंगाबाद नाम जो नाम रखा गया था वो मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। इन 30 गुफाओं को रॉक को काटकर, चट्टान को काटकर बौद्ध गुफा स्मारकों के रूप में निर्मित किया गया और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। महाराष्ट्र भी कई भागों में बैठा हुआ है। महाराष्ट्र मराठवाड़ा में है, विदर्भ में है ना।
उसके बाद हम बात करते हैं हम्पी। हम्पी में स्मारकों का समूह। हम्पी जो है मित्रों कर्नाटक में आता है, और आपने देखा होगा कि 50 रुपये के नोट पर भी हम्पी का चित्र उकेरी थे। हम्पी के स्मारकों का समूह वास्तव में विजयनगर के महान हिंदू साम्राज्य की राजधानी थी। इतिहास में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। बताना चाहूँगा मित्रों कि विजयनगर साम्राज्य था, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजय मतलब जीत और नगर मतलब शहर, जो जीतों का शहर है। हरिहर बुक्का का नाम सुना होगा आपने। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी में खंडहर स्मारकों का समूह एक यूनेस्को विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध है, मतलब कर्नाटक के जो हम्पी है उसे भी यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिरों को सूची में ही आता है। मीनाक्षी मंदिर वेगई, वेगई नदी के दक्षिणी किनारे पर मदुरई में स्थित है, और ये विशाल मंदिर परिसर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित है। मीनाक्षी जो नाम दिया गया, माता पार्वती भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर दुनिया के नए 7 अजूबों के लिए शीर्ष 30 प्रत्याशियों में से, 7 अजूबों में से 30 प्रत्याशियों में से एक है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में स्थित है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली, क्योंकि शाहजहाँ ने बनवाया था। विश्व धरोहर स्थल दिल्ली का लाल किला। लाल बलुआ पत्थर, पत्थरों की वैरायटी आती है बलुआ पत्थर। भारी दीवारों से निर्मित एक बड़ा किला है जो कि आज भारत का मुख्य पर्यटन आकर्षण है और अपने आकार के लिए दुनिया भर में विख्यात है। कोणार्क सूर्य मंदिर, 10 रुपये के नोट पर मित्रों कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो फेमस है उड़ीसा में है। सूर्य कोणार्क सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया हुआ भव्य मंदिर है और भारत के 7 आश्चर्य की विभिन्न सूची में चिन्हित किया गया है। यह हिंदू मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है तथा भारत के सबसे प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक। उसके बाद हम बात करते हैं चंपानेर पावागढ़ स्मारक, जो कि गुजरात में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान के स्मारक पावागढ़ पहाड़ी के आसपास स्थित है, जो कि मस्जिदों, मंदिरों, अनाज का भंडार, कब्रिस्तानों, कुओं, दीवारों और छतों का समूह होता है। प्रमुख स्मारकों में से कुछ इस प्रकार है: जामा मस्जिद, बुर्ज के साथ किला, कालिका मंदिर, कालिका माता मंदिर जो कि स्थित है। फिर हम बात करेंगे महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक का समूह दुनिया में सबसे बड़ी खुली हवा के स्थित मंदिरों में से। समुद्र के किनारे वाला शिव मंदिर, ओलक्को कनेश्वरा मंदिर और गंगा के अवतरण कोरोमंडल तट में स्थित। और हमारे पास लास्ट है ऐहोल बादामी पमकल स्मारक, कर्नाटक में स्थित है। पमकल में स्मारकों का समूह हिंदू मंदिर वास्तुकला का वेसरा शैली, एक शैली होती है वेसरा शैली में जल्द प्रयोगों की परिणति है। बादामी गुफा मंदिर में 4 हिंदू, जैन और बौद्ध संभवतः गुफा मंदिर, मतलब हिंदू जैन बौद्ध संप्रदाय से संबंधित मंदिरों का यहाँ पर उल्लेख किया गया स्थित है। और ऐहोल में एक उन्नरी कर्नाटक में लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो पमकल के पूर्व में स्थित है। तो इसी प्रकार हमने आज पर्यावरण के जो आवास वाले चैप्टर थे उसमें हमने 2 टॉपिक कवर करे, और अगले 2 टॉपिक कुछ ही देर में आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप कृपया इन टॉपिक्स को सुनकर अच्छे से पढ़कर अपने डाउट्स को क्लियर करिए। डाउट्स आने पर आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर अपना डाउट लिखकर, अपना नाम लिखकर मुझे आप भेज सकते हैं। तो अगली क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे, और मिलते हैं हम अगले 2 टॉपिक के साथ। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। निशांत चौहान, सांदीपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, पड़वा, जिला खरगोन। धन्यवाद।